और बात इस वक्त की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। इसराइल पर हमास ने रॉकेट से ताबड़तोड़ बड़े अटैक किए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि हमले के बाद लोग इधर उधर भागने लग गए। इसराइल में लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। गाजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट दागे गए। हमास के हमले में एक आदमी की मौत की भी खबर मिल रही है। इसराइल के पीएम ने जवाबी कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया है और इसराइल में लगातार सायरन वार्निंग दी जा रही है। तो आपको बताएं, जानकारी जो मिल रही है, एक साथ हमास की ओर से, जो कि इस्लामिक चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 रॉकेट ऐसे हैं जो कि दागे गए हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसराइल ने भी अब हमास को कह दिया है कि अब अंजाम भुगतने के लिए तुम भी तैयार रहो। इसराइल की तरफ से भी हमले का आदेश अब दे दिया गया है। तो ये दोनों ही मुल्क अब जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। फिलहाल तीन तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से 5000 रॉकेट से अटैक किए गए हैं, एक आदमी की मौत हुई है, वहीं हमास की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, गुरिल्ला वॉर जैसी स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो तूफान आने वाला है उसके पहले की शांति है? देखिए, तूफान ने इसराइल ने सबसे पहली बात की, इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी, स्टेट ऑफ वॉर का सिचुएशन अनाउंस कर दिया है। और माया कदोस एक अधिकारी है जो कि भारत में भी थी इसराइली एम्बेसी में, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले कि 3 घंटे से लगातार सायरन की आवाजें, रॉकेट की तस्वीरें आपने देखी होंगी जो गाजा की तरफ यानी हमास की तरफ से जो इसराइल के शहरों पे, खासकर तेल अवीव और इसराइल पर के दूसरे शहरों पे हमला किया गया, वो तस्वीरें अभी हम लोग आप टीवी स्क्रीन पे देख रही होंगी, किस तरह से कारें जल रही हैं, बड़ी इमारतों पे आग लगी हुई और इसराइल बार बार जवाब देता है। ये देखिए, 74 साल है जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक है, उन्हें बता दे कि गाजा का पूरा एरिया जो है वो ब्लॉकेड है पिछले 15 साल से इसराइल की तरफ से। इजिप्ट ने भी ब्लॉकेट कर रखा है और इसराइल ने भी। गाजा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमास का कंट्रोल है वहां और हमास की तरफ से बीच बीच में वहां रॉकेट दागे जाते हैं और इस लड़ाई में पैलेस्टीन भी शामिल रहता है। लेकिन ये हमला हमास की तरफ से नए ऑपरेशन के तौर पे किया है। पिछले 3 घंटे से लगातार स्थिति भयावह है और जिस अधिकारी का मैंने जिक्र किया जो कि भारत में इजरायली दूतावास में डिप्टी चार्ज ऑफ मिशन थी यानी डिप्टी थी वो यहाँ दूतावास में, उन्होंने कहा है कि वो लोग सुरक्षित हैं और हर तरह का अपडेट उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इजराइल की सरकार ने युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी है और इजराइल की तरफ से भी अब जवाब दिया जा रहा है गाजा में हमास मिलिटेंट के खिलाफ। नीरज, ये भी बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है न सिर्फ रॉकेट से हमला किया गया है बल्कि कुछ कट्टरपंथी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, जिस भी भाषा में वहां से कहा जाता हो, कि इसराइल के अंदर कुछ कट्टरपंथी का भी अब प्रवेश हो चुका है जो कि अवैध रूप से वहां पर घुसे हैं, तो ऐसी भी कुछ खबर मिल रही है क्या? देखिए, 2007 से यानी पिछले 15 साल से हमास के कब्जे के बाद गाजा को ब्लॉक करने का एक सबसे बड़ा इजराइल का मकसद यही था कि गाजा से जो मिलिटेंट है वो प्रवेश न करे बॉर्डर एरिया से। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी खबरें जरूर हैं कि कुछ मिलिटेंट प्रवेश किए हैं, लेकिन वो बड़ी चुनौती इजराइल के लिए नहीं है। जो हमले रॉकेट से हो रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा साइड से हमला बिल्कुल किया जा रहा है, और कोई पहली बार नहीं जबकि इस तरीके से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास के मिलिटेंट्स ने इसराइल में एंट्री ली हो। देखिए, भारत में इसराइल राजदूत ने ट्वीट करके कहा है कि गाजा से इसराइल पर हमला हुआ है, इसराइल में घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, रॉकेट और जमीन से हमला किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इसराइल के राजदूत जो कि भारत में, उनकी तरफ से भी अब ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि गाजा से इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। उससे जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। और देखिए, नॉर ग्लॉन ये राजदूत हैं जिन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके बताया कि द सिचुएशन इज नॉट सिंपल बट इसराइल विल प्रिवेल। और आपको बताएं कि इसराइल की ओर से स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा भी कर ली गई है और अब इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से एक इमरजेंसी मीटिंग भी इस पर बुलाई गई है। तो हमले पर इसराइल के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आ चुका है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमास की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई है और अपनी सुरक्षा के लिए इसराइल सब कुछ करेगा। हमले पर इसराइल के विदेश मंत्री की ओर से बयान सामने आया है। इससे पहले हम राजदूत का बयान आपको दिखा रहे थे। हमले पर इसराइल के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि हमास की तरफ से घुसपैठ की गई है और हम अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे।